दोस्तों कैसे आप सब लोग, एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त एक गांव में आया हुआ हूँ। गांव के लोग इतने प्यारे हैं, इतनी मोहब्बत वाले गांव है। मैं इस गांव में एक स्टोरी पे आया हुआ था और मुझे भाई साहब मिले अपने घर में लेकर आए। क्या नाम भाई साहब आपका? सुखबीर सिंह। सुखबीर सिंह जी, और सुखबीर सिंह जी के घर में हम क्या करेंगे? दूध गाय का। हाँ, गाय का दूध पिलवाने के लिए लाए हैं भाई साहब। हाँ। भाई साहब ये देखिए, पीछे जो है वो आंटी जी दूध दो रही हैं। हाँ। वो गाय कौन सी गाय है? जर्सी गाय है। जर्सी गाय है सुखबीर जी। तो ये गाय कितने लीटर दूध देती है? ये 8 से लेकर 10 तक 8-10 लीटर दे देती है जी। बहुत बढ़िया। और क्या काम करते हैं आप? हम खेती करते हैं साहब। खेती करते हैं जी। तो भाई साहब सुखबीर जी की ये प्यार मोहब्बत इतना ज्यादा मिला इनका और अपने घर लेके आए हैं ये, और गाय का दूध बिल्कुल थन तले का दूध पिलवाएंगे। जब भी हम गांव में आते हैं तो इस तरह के लोगों का प्यार मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है उनका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे बहुत नहीं साहब, आपका ये नसीब का है, जिसका नसीब का वही पीता है। अरे अरे नहीं नहीं, ये कुछ नहीं है साहब, ये तो नसीब है जिसका है, ये तो लगा पड़ा है। क्या है हमारा आपका कुछ नहीं है। ये क्या कहेगा, मर जाते हमारा कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया, देखिए कितने अच्छे विचार हैं इनके। बहुत बहुत धन्यवाद। बस थोड़ा सा ही दिएगा। अरे खूब आप पेट भर के पीजिए साहब। अरे खाएंगे, सुबह ही खा सकते हैं हम, क्या परेशानी है। टाइम क्या रखा है? कुछ नहीं रखा है इसमें। अच्छा, अरे तो ये आपका क्या कारोबार है? जी ये खेती का कारोबार है, ये ट्रैक्टर वक्टर खड़ा है बस, ये खेती मजदूरी करते हैं इससे ही बस। अच्छा अच्छा, यहाँ पे लोगों का दिल बहुत बड़ा है, बहुत मान सम्मान जो देते हैं, और अतिथि जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा प्यार देते हैं। तो गांव में अनजान जो है, हम इन्हें जानते भी नहीं, इससे पहले मुलाकात भी इनसे कुछ नहीं हुई, कुछ बातचीत नहीं हुई है, पहली बार बातचीत हुई है। लेकिन इनका इतना अच्छा प्यार व्यवहार, इनकी बातचीत लगी कि इन्होंने चाय के लिए ऑफर किया, तो हमने चाय, जहाँ पर हम स्टोरी पे आए हैं वहाँ पर हमने चाय पी। तो भाई साहब के यहाँ दूध, चूँकि गाय भी पलती हैं, भैंसें भी पलती हैं, तो दूध का भी काम है यहाँ पर। तो इन्होंने कहा कि दूध, तो हमने कहा कि ठीक है, जब आए हैं और इतना प्यार मान सम्मान दे रहे हैं तो थोड़ा सा दूध हम जो है ज़रूर पिएंगे। तो ये गाय है मेरे पीछे, आप देख रहे हैं भाभी जी जो है धुल रही हैं गाय को, और जर्सी गाय है ये, और इसका जो है थोड़ा सा दूध का स्वाद लिया जाएगा। और वैसे हमारी जो मुहिम चल रही है, हाइपर लोकल स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने की मुहिम चल रही है, अलग अलग स्वाद, अलग अलग जायके आपको दिखाते रहते हैं, तो ये भी एक जायका है, एक स्वाद है। अरे क्या बात है भाई साहब, बहुत बढ़िया। देखिए करीब से मैं चाहूँगा दिखा दें आपको, और भाई साहब कितना झाग वाला ये दूध है, और गर्म भी हो रहा है। हाँ, गर्म तो होता है। तो ये इसका ये लाइट होता है, हल्का होता है ना भैंस के मुकाबले? बहुत हल्का होता है भैंस के मुकाबले। ये तो ऐसा पानी तरह आप पूरा पी जाए। अच्छा जी हाँ, आप अभी पी लें, नुकसान तो नहीं है? कच्चा कुछ नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरह लाल है, इसको पी जाए सारा दिन। अच्छा जी नहीं, हम थोड़ा ही पियेंगे। अरे पी ना आप, और हमें आदत नहीं है ना। अरे बस बस बात ही आप करो, भरे पेट वाले कुछ नहीं पिए आप, छक्के पिए। भाई साहब देखिए कितनी ज्यादा मोहब्बत है भाई साहब की, तो इसका स्वाद जो है लेते हैं, आपको बताते हैं। मरने बाद क्या किसके साथ जाता है? बहुत बढ़िया भाई साहब, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, सब कुछ यहीं रहने वाला है, प्यार मोहब्बत ही बस फैलना चाहिए। बहुत बढ़िया स्वाद है भाई साहब, और सबसे जो अच्छी चीज़ है इसके स्वाद के साथ साथ में, सबसे जो अच्छी चीज़ है वो इनका व्यवहार है, जो इनका प्यार है वो इसमें चार चांद लगा देता है। अरे बहुत धन्यवाद, प्लीज प्लीज, अब मुझे इससे ज्यादा पिया नहीं जाएगा। पिए जाएगा, चलो पिए जाएगा, जितनी बात है पिए जाएगा। आपको इतने बच्चे छोड़ेंगे? बस 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 बस। ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया। अरे नहीं ज्यादा हो गई क्या, ये तो पानी समझो आप। अच्छा जी हाँ, पानी। चलिए साहब, अब मेरा अगर स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ होगा तो? अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, स्वास्थ्य गड़बड़ नहीं हो सकता इससे, गारंटी की बात है। अच्छा ये तो आप कच्चा दूध पी रहे हैं गाय के नीचे निकल के, ये तो दुकान नुकसान नहीं देगा? अरे दूसरा लगवाओ और ले लो थोड़ा। भाई साहब जबरदस्त, बहुत बढ़िया, दो गिलास दूध पी लिया। अरे साहब बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि देखिए कितना ज्यादा प्यार लोगों में है, और लोग अभी भी जब हम गांव में जाते हैं, खासतौर पर ग्राउंड रिपोर्टिंग में जब हम जाते हैं, तो इस तरीके का प्यार मिलता है, एक आम बात है। तो जुड़े रहिए मेरे इस ब्लॉग में, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।